मैनेजमेंट है प्लास्टिक ब्लेंड्स इंडिया का। दरअसल इस कंपनी के नतीजे अगर आप देखेंगे तो आय में तो 5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मार्जिन और मुनाफे में थोड़ी बहुत गिरावट आई है। मार्जिन से अगर आप देखिए तो 6.4% से गिर के 4.5% पे आए हैं, और मुनाफा जो है कंपनी का उसमें करीब 24% के आसपास की गिरावट हुई है। तो क्या रहा इस पूरे क्वार्टर में, क्यों ये मार्जिन और मुनाफे में दबाव है, ये सब के लिए बात करने के लिए हमारे साथ इस कंपनी के CMD मिस्टर सत्यनारायण काबरा जी जुड़ चुके हैं। काबरा जी, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका इसी बिजनेस पर। मैं आपके कंपनी के नतीजे देख रहा था, आए तो आपकी कंपनी की काफी अच्छी, करीब 5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई, लेकिन सर ये मार्जिन्स और मुनाफे में गिरावट क्यों, खासकर मार्जिन्स में मैं देख रहा था करीब 2% के आसपास की गिरावट आ चुकी है, क्या कारण है सर? हाँ जी, रिजल्ट में आपको अपने को दिख रहा है मार्जिन में गिरावट आई है, पर एक्चुअल में प्रॉफिटेबिलिटी के मार्जिन के ऊपर कोई प्रेशर बिल्कुल नहीं है। मैं कहूंगा आपको, ये जो इफेक्ट जो आया है, इसे वन टाइम इफेक्ट आया है पिछले इस क्वार्टर के अंदर, बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल सिचुएशन। चाइना में रॉ मटेरियल प्राइसेस का बहुत ड्रॉप हुआ है, 10 से 15% से 20% तक, और हमारे जो है जितने भी रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, पॉलीमर्स को छोड़ करके, पॉलीमर्स मोस्टली इंडिया से रिसोर्सिंग होती है, बाकी जो है टिटेनियम डाइऑक्साइड है, कार्बन ब्लैक है, एडिटिव्स है, ये सब केमिकल्स जो है वो सब मोस्टली चाइना से रिसोर्स होते हैं, और वहां पर वहां की इकोनॉमी के हिसाब से 10 से 15% जो है सभी मोस्टली जनरल प्राइस कमोडिटीज के अंदर प्राइसेस डाउन हुआ है। उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि इसका इम्पैक्ट हुआ कि हमको जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री कैरी जो है उसके ऊपर बड़ा लॉस हुआ हमको, सो दैट इज जस्ट बुकिंग ऑफ द इन्वेंट्री कैरिंग लॉस, अदरवाइज जो है we feel everything is normal and there is we should have the normal results also, because वैसे भी अगर हम पहले first quarter का देखेंगे तो result काफी अच्छे हैं, और सिर्फ second quarter के अंदर वैसे अगर हम देखें turnover के हिसाब से तो second quarter का अभी तक का आज तक का सबसे highest turnover second quarter का हुआ है। इसी प्रकार पिछली time में जो है हमारा first quarter का जो turnover जो था that was the highest result, उसके पहले जो है last year का fourth quarter जो था उसका भी ये एवर हाईएस्ट रिजल्ट जो था मिला, तो वो हिसाब से ग्रोथ जो है बराबर रेगुलर हो रही है, और ये एक वन टाइम इफेक्ट है। वैसे नॉर्मल जो इम्पैक्ट जो होता है, प्राइसेस जो ड्रॉप होती है या प्राइसेस इंक्रीज होती है या प्राइसेस डाउन होती है, उसका आपको कोई खास इम्पैक्ट नहीं आता है, एंड देट इज टेकन केयर इन द नॉर्मल कंप्लीट प्राइसिंग सिस्टम। कुछ हमारे जो प्राइसिंग जो है हम एवरी मंथ 1 तारीख को प्राइसेस रिवाइज कर देते हैं, जो भी चेंजेस पिछले महीने में होता है इंक्रीज और डिक्रीज दैट इज पास्ड ऑन टू द कस्टमर, वो हिसाब से हमारे जो मार्जिन जो है काफी स्टडी रहते हैं। अनलेस जो शार्प जो है डिक्लाइन या इंक्रीज होता है इसका इंपैक्ट आता है, तो अभी जो है हमारे जो अगर हम 10% हमारी जो टोटल इन्वेंट्री है वो करीब 100 करोड़ के करीब इन्वेंट्री है, तो अगर हम 10% का इम्पैक्ट लेते हैं प्राइसेस के अंदर तो इन्वेंट्री लॉस ही जो है लगभग 10 करोड़ का लॉस हो जाता है। अगर उसको हम डिस्काउंट करते हैं तो हमारे जो वर्किंग जो है मैं कहूंगा कि एकदम नॉर्मल है, और फ्यूचर के अंदर भी जो है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी वी एक्सपेक्ट नॉर्मल एवरीथिंग वर्किंग हैज टू बी नॉर्मल, और उसके हिसाब से हमारे प्रॉफिटेबिलिटी जो है लगभग हम एक्सपेक्ट करते हैं 8% प्रॉफिटेबिलिटी एंड डबल डिजिट के अंदर जो है EBITDA मार्जिन के अंदर जो है वो इम्पैक्ट उसका इम्प्रूवमेंट जो है वो हमको मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम में मैं यही कहूंगा कि मार्जिन के ऊपर मुझे किसी प्रकार का प्रेशर नहीं दिखता है, और अगर पूरा 23 ईयर की बात करेंगे तो इस नॉर्मल ईयर। हाँ जी, ओके सर, जैसे कि आपने कहा कि जो इन्वेंट्री लॉस है वो आपको हुआ है, क्योंकि मैं आपके बुक्स पढ़ रहा था 168 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री मेरे ख्याल से आपके पास अभी भी है, तो इसका कितना इम्पैक्ट, और आप जैसे कि कह रहे थे कि 1 तारीख को आपने प्राइस हाइक किए हैं, कितना प्राइस हाइक किया है, और तीसरा क्वेश्चन भी यही पूछ लेता हूँ, क्योंकि मार्जिन जैसे कि आप कह रहे थे कि आप कंफर्टेबल लेवल्स पे है, तो अगर मैं सही समझू तो आने वाले क्वार्टर में क्या ये 4.5% के आसपास ही रहेंगे, किन लेवल्स पे आप स्थिरता देखते हैं मार्जिन में? मार्जिन जैसा PBT अगर देखेंगे तो 7 से 8% तो रहनी चाहिए। ओके, अगर आप अगर हम पहले फर्स्ट क्वार्टर की देखें रिजल्ट तो फर्स्ट क्वार्टर क्वाइट सेटिस्फैक्टरी है, सेकंड क्वार्टर में इम्पैक्ट आया है वन टाइम इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेशनल सिचुएशन। राइट राइट राइट, तो सर आपकी इन्वेंट्री कितनी है अभी?
इन्वेंट्री करीब 100 करोड़ की इन्वेंट्री है, 100 करोड़ के आसपास, 100 करोड़ की है, उसका 10% का इम्पैक्ट मतलब करीब 10 करोड़ का जो हिट जो है हमको इन्वेंट्री कैरिंग के अंदर इस महीने में आया है, इस क्वार्टर में आया है। ओके चलिए ठीक है सर। सर डिमांड के बारे में पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि पहले दो क्वार्टर जो है अब तक के सबसे बेस्ट रेवेन्यू जो है आपने क्लॉक किए हैं, तो ओवरऑल डिमांड कैसी है और कहां से आ रही है ये डिमांड, और क्या अगर मैं सही समझू फिर तो FY23 आपके लिए अब तक का सबसे बेस्ट ईयर हो सकता है? हाँ जी, इसमें जो है जहां तक इन्वेंट्री का सवाल, मार्जिन का सवाल है, तो मार्जिन जैसे हमने कहा 100 करोड़ की जो इन्वेंट्री है, अगर हमको 10% के हिसाब से हिट जो हमको मिला है, लगभग 10% के हिसाब से इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट के अंदर, वो 10 करोड़ का इम्पैक्ट जो है वो हमको एक मिला है, सडन इम्पैक्ट, वन टाइम इम्पैक्ट, अगर हम उसको देखें तो वी आर नॉर्मल और हमारी ग्रोथ भी नॉर्मल है। और जहां तक इन डिमांड का सवाल है, अगर हम देखें तो पिछले वर्ष का भी देखें, पिछले कई वर्षों का हम देखें, और लगभग 8% जो है पॉलीमर ग्रोथ है इंडिया में हो रही है, और जब पॉलीमर ग्रोथ जब इंडिया में 8% होती है तो हमारी ग्रोथ जो है लगभग उससे डबल यानी 15% तक हमको मिलती है एवरेज इन जनरल, तो वो हिसाब से मैं कहूंगा कि लगभग 15% की ग्रोथ हमको मिलनी चाहिए, और इस वर्ष भी जो है हमको करीब लगभग 15% के हिसाब से 800 करोड़ के ऊपर हमारा टर्नओवर डेफिनेटली